कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वर धारा है, हिंदी है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है। इसी मधुर भावना के साथ आज मैं आपके सामने विश्व हिंदी दिवस के बारे में अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। विश्व में हिंदी का विकास करने और इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी 2006 को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की। विदेश में इसी दिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था। विदेशों में बसे भारतीय भारत की मिट्टी से जुड़े रहने के लिए अपनी भाषा में अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। हिंदी में भिन्न भिन्न देशों से निकलने वाली विविध पत्र पत्रिकाएं इसका प्रमाण है। हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करने और वातावरण निर्मित करने के लिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसे पूर्ण सम्मान दें। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है, केवल एक दिन ही नहीं नित हिंदी दिवस मनाना है। विश्व हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।